पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर कल पीएमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई होनी है। बता दूं कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने पीएमएलए की विशेष अदालत में जमानत याचिका फाइल किया है और उसी को लेकर कल सुनवाई होनी है। इससे पहले 23 अप्रैल को मामले की सुनवाई हुई थी, जहां ईडी की ओर से समय का आग्रह किया गया था और ऐसे में कोर्ट ने अगली तिथि जो निर्धारित की थी वो था 1 मई यानी कल, और कल मामले की सुनवाई होनी। हालांकि उस दौरान हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे और कपिल सिब्बल ने उस दौरान ईडी के आग्रह का विरोध किया था और ये कहा था कि ईडी को पर्याप्त समय मिल चुका है, ऐसे में कोर्ट से और समय नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने समय दिया था और अब कल सुनवाई होनी है। बता दूं कि हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया है और अपनी गिरफ्तारी को गलत और अवैध बताया है। साथ ही ये भी कहा है कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। इसको लेकर उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में भी याचिका फाइल किया, हालांकि वो याचिका पर फैसला अभी तक सुरक्षित है, लेकिन पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने पीएमएलए का कोर्ट का जो है दरवाजा खटखटाया है और कल मामले की सुनवाई होनी है। बता दूं कि 31 जनवरी को पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के टीम ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था और क्योंकि हेमंत सोरेन पर बड़गाय अंचल अंतर्गत जो बरियातू रोड स्थित 8.86 एकड़ जमीन है उसमें घोटाले करने का आरोप लगा है। ये भी आरोप लगा है कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने उस जमीन को अधिग्रहण कर उस पूरे जमीन को चार दीवारी करवाया था और उसके बाद कहीं ना कहीं उस जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की प्लानिंग थी, जिसके बाद जो है ईडी ने अपनी कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद कई और लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। और इसी मामले में जेएमएम के नेता अंतु तिर्की, प्रिया रंजन सहाय, विपिन सिंह, इरशाद अख्तर, अफसर अली, सदाम हुसैन, इन लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है और मामले में ईडी ने पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दिया है और उस चार्जशीट में 5 लोगों को मुख्य जो है आरोपी बनाया गया था। हालांकि बहुत सारे लोग जो हैं अभी और इस मामले में आरोपी बने हैं और इसको लेकर लगातार ईडी की जो कार्रवाई है वो चल रही है, जांच जो है वो अभी भी जारी है, नए नए खुलासे जो है हर दिन हो रहे हैं और ईडी ये बताने का काम कर रही है कैसे झारखंड की राजधानी रांची में जमीन के फर्जी कागजात बनाकर मूल दस्तावेज से बदल दिया जाता था और बाद में उस जमीन को एक मोटे रकम में बेच दिया जाता था और इसमें बहुत सारे लोगों की संलिप्तता थी और एक सरगना जो था वो एक्टिव था और अभी भी वो सरगना एक्टिव है और उस सरगने के कुछ लोग जो है अभी ईडी के हत्थे चढ़े हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी ईडी के गिरफ्त में आने बाकी हैं। ये तमाम बातें जो है ईडी की ओर से कही गई है और ये भी कहा गया है कि बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिला है, बहुत सारे लोग ईडी के रडार पर आ चुके हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में उन पर कार्रवाई हो। लेकिन बड़ी खबर यह है कि कल पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर पीएमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई होनी है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ईडी की ओर से क्या कुछ जवाब दाखिल किया गया है या फिर जवाब नहीं दाखिल किया गया है, लेकिन कल सुनवाई होती है तो क्या कुछ होता है, क्या हेमंत सोरेन की ओर से कोई मजबूत पक्ष रखा जाता है, कोई मजबूत आधार रखा जाता है जिसके आधार पर हेमंत सोरेन को आने वाले समय में बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, ऐसे में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रखा है। तो देखने वाली बात होगी कल सुनवाई होती है तो क्या पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट से राहत मिलती है या फिर नहीं। न्यूज बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएम के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए एलीट इंस्टीट्यूट।